पूरे बिहार के लोगों को आमंत्रित किया जाए। अजय इधर आके बैठ जाओ। खींच लो भाई, कटरेज बना लिया, मनाते हैं। कॉन्फ्रेंस का क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, हम लोग बिहार भर में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, और ये जनसंपर्क अभियान इसीलिए भी है क्योंकि आनंद मोहन जी की तीसरी किताब गांधी कैक्टस के फूल, उसका विमोचन है 15 तारीख को, 15 फरवरी को बापू सभागार पटना में। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग को ले जाने का उस दिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और बहुत लोग आएंगे भी उस दिन। जहां तक की बात है, इसके साथ साथ हम लोग जो हम लोग का मुहिम है आनंद मोहन जी की रिहाई, उसके लिए भी उस दिन जो है लोग उधर पहुंचने का काम कर रहे हैं। तो ये एक तरह से मानिए तो दोनों चीज है, दोनों मुहिम, एक अपना मुहिम जो है फ्रेंड्स ऑफ आनंद का, और दूसरा पापा का जो किताब विमोचन है वो। अच्छा, किताब विमोचन करने का इसमें क्या मुख्य आपका उद्देश्य है? देखिए, किताब तो पापा, आपको पता होगा कि पापा एक लेखक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, तीसरी किताब लिख चुके हैं। उनकी पहली किताब थी कैद में आजाद कलम, फिर उसके बाद स्वाधीन अभिव्यक्ति, और अब गांधी कैक्टस के फूल। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो CBSE के क्लास 8 में हिंदी की पुस्तक है मधुरिका, उसमें आनंद मोहन जी द्वारा लिखी हुई कहानी पर्वत पुरुष दशरथ जो है वो पहले से है। तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसमें यही है कि मतलब वो लेखक हैं, और इसीलिए उनका तीसरा किताब का विमोचन है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी आप लोग की भूमिका रहेगी क्या? देखिए, हम तो पहले ही साफ कर चुके हैं, हमारा हर जगह जहां पर भी जा रहे हैं हम यही बात बोल रहे हैं कि जो आनंद मोहन जी की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। और साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि नीतीश जी ने जो कहा है कि हम आनंद मोहन जी के बारे में सोच रहे हैं, अपने पुराने साथी के बारे में हम चिंतित हैं, तो उसका भी हम लोग स्वागत करते हैं, हम लोग इस बात का स्वागत करते हैं। लेकिन हम लोग का मुहिम तब तक चलेगा जब तक आनंद मोहन जी हमारे बीच में नहीं आ जाते। क्या आपको ये नहीं लगता है कि सरकार कहीं दिन है कि आज वो जेल के अंदर में है, फिर सरकार क्या सोच रही है? देखिए, हम जो भी हम उसमें नहीं जाएंगे कि किसका दिन है किसका नहीं। आज हमारा प्राथमिकता यही है कि आनंद मोहन जी हमारे बीच में रहे। और आपको पता है केस किसके टाइम का था, सजा कब हुआ, तो उसके ऊपर हम ये नहीं बोलना चाहेंगे किसका देना किसका नहीं। बस यही है कि आनंद मोहन जी हमारे बीच में। इतने गांव का दौरा किया, गांव सबका नाम दे दो।